एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी का काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यूपीएलटी ग्रेड के लिए पोर्टल खोले गए थे और अध्याचन भी मांगे गए थे और अध्याचन आए भी थे रिक्त पदों के, लेकिन फिर भी उसकी प्रक्रिया को लेकर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता दिखाई दिया, जिसके चलते छात्र काफी ज्यादा नाराज थे। लेकिन फिर से अब यूपीएलटी ग्रेड की जो प्रक्रिया है वो काफी तेजी में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से भी बराबर प्रयास किया जा रहा है और बराबर जो बयान सामने आ रहे हैं, जो बातचीत से पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि एलटी ग्रेड के पोर्टल को फिर से खोला जाएगा और दिसंबर के अंत तक जो आपके इसके पूरे टोटल एग्जैक्ट अध्याचन है वो मिल जाएंगे और उसके बाद जनवरी में आचार संहिता लगने से पहले पहले हो सकता है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी को भी निकाल दिया जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचती है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो अगर आप भी काफ़ी दिनों से एलटी ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी के साथ ही साथ आपको एलटी ग्रेड का भी नया विज्ञापन जो है वो जारी होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये जो विज्ञापन है ये करीब करीब 8 से 10 हज़ार पदों का निकलने वाला है, जो कि संख्या सामने निकल कर आ रही है। अध्याचन इससे पहले भी लिए जा चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि एलटी ग्रेड तो कब से आ रहा है, लेकिन हाँ, अब जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम डन है, बस अब आयोग की तरफ से इस विज्ञापन को जारी करना है। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर आप भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो बस जुट जाइए, अब आपको जल्द ही ये सुनहरा मौका मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ऑथेंटिक और सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।